सोलन के माल रोड पर पुलिस ने राइजिंग डे मनाया। इस मौके पर सभी पुलिस अधिकारी आम जनता को आदेश और निर्देश देते हुए नहीं बल्कि खुशनुमा माहौल व दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते नजर आए। इस मौके पर युवा जिन्हें पुलिस की वर्दी अपनी ओर आकर्षित करती है वह भी पुलिस से सवाल पूछ अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे। वहीं अधिकारियों ने स्कूली विद्यार्थियों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और ट्रैफिक नियमों, पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि वह पहली बार पुलिस राइजिंग डे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्भीक, निडर, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होकर किस प्रकार कार्य करती है इसकी जानकारी आज शहरवासियों और विद्यार्थियों को दी जा रही है ताकि शहरवासियों के बीच से संबंध बने और वह बिना किसी खौफ के अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सकें। इस मौके पर आम जनता के क्या अधिकार हैं और वह नियमों का पालन किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दी गई। फर्स्ट रेजिंग डे है, हिमाचल पुलिस है, हिमाचल की सेवा के लिए है, निर्भय है, निष्पक्ष है, सत्यनिष्ठ है। इसमें आम जनता को भी गर्व है और हिमाचल पुलिस को भी गर्व है। दिस इज फॉर द सिटीजन्स। उद्देश्य सिंपल है कि कनेक्ट बने पुलिस के साथ पब्लिक का। दूसरा, एक रेजिंग डे है, जब पुलिस अपने अस्तित्व में आई, जब हम एस्टैब्लिश हुए, उसमें बॉयज में, टीम में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, मोराल अप हो, इसी वजह से आज ये हमने इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। यूनिफॉर्म को देखकर वैसे ही बच्चों में बहुत चार्म रहता है, जैसे कि अभी आप बाहर हमारी कियोस्क पे देख रहे थे कि बच्चों में कितना उत्साह था, वो हमसे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इसमें उनके क्या अधिकार है, साइबर क्राइम क्या है, महिलाओं के क्या अधिकार हैं और उनके क्या डूज डोंट्स हैं, ट्रैफिक का क्या डिसिप्लिन है, इत्यादि उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे और हमने उसका उनको बताया। और ये सारा दो तीन दिन एक्टिविटीज चलेंगी।